कहते हैं कि हजार अच्छाइयों पर एक गलती भारी पड़ जाती है। सियासत में संभल कर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लापरवाही जहां घटी वहीं सियासत में आफत आ जाती है। नमस्कार, मैं रचा सिंह, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिट्टू बजरंगी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही बिट्टू बजरंगी जो नू हिंसा का आरोपी है। बिट्टू बजरंगी वैसे तो बीजेपी के कार्यक्रमों में अक्सर शामिल होता रहा है, लेकिन उसे कभी भी कोई पद नहीं मिल पाया। नू हिंसा के आरोपी के तौर पर कुख्यात बिट्टू बजरंगी को बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर का सहयोगी माना जाता है। लेकिन अब ये नाम एक बार फिर चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि इस बार वो किसी छोटे मोटे नेता के साथ नहीं बल्कि सीएम योगी के साथ नजर आया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सीएम योगी अपराधी की नाक में नकेल कस देते हैं। वही योगी जिनके आगे अपराधी घुटने टेक देते हैं, वही सीएम योगी जो कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मगर इस बार उनके मंच पर एक अपराधी के नाम से पहचान बनाने वाले बिट्टू बजरंगी नजर आया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। नू हिंसा के आरोपी और एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े बिट्टू बजरंगी ने अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को दे दिया है। इसके साथ साथ रविवार को फरीदाबाद में हुई यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली बिट्टू बजरंगी ने मंच भी साझा किया। बिट्टू बजरंगी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी एनआईटी सीट से अपना नामांकन भरा था, लेकिन योगी की सभा के दौरान उन्होंने एनआईटी सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना को अपना समर्थन दे दिया है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी पार्टी ने उनसे समर्थन लेने के लिए संपर्क किया था या नहीं, सवाल के जवाब में बिट्टू बजरंगी ने कहा कि किसी भी बीजेपी के नेता या प्रत्याशी ने उनसे समर्थन लेने के लिए संपर्क नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ऐसा अपने सनातनी साथियों के कहने पर किया। वहीं बिट्टू ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के सम्मान के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि साल 2023 में नू हिंसा के दौरान बिट्टू बजरंगी का नाम सुर्खियों में आया था। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी पर नू में हिंसा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया था। बिट्टू के खिलाफ डकैती और धोखाधड़ी समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुकदमे दूसरे धर्म का अनादर करने के हैं। फिलहाल सभी मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। मगर हैरानी की बात यही है कि बिट्टू बजरंगी बीजेपी उम्मीदवार का उसी विधानसभा सीट पर सपोर्ट कर रहा है जहां से वो खुद भी कैंडिडेट है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश फागना चुनाव लड़ रहे हैं और बिट्टू बजरंगी भी उनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर क्यों बीजेपी को एक अपराधी किस्म का नेता सपोर्ट कर रहा है या उसका सपोर्ट बीजेपी चाह रही है। अब आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है बिट्टू बजरंगी ने भी बीजेपी का टिकट हासिल करने का प्रयास किया हो लेकिन असफल रहा हो। हो सकता है किसी ने उसे निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का आइडिया दिया हो ताकि नए सिरे से चर्चा में आ सके। बीजेपी नेता भले ही बिट्टू बजरंगी का बचाव कर रहे हों, लेकिन अभी तक तो उसकी छवि नू हिंसा के आरोपी की ही रही है। योगी आदित्यनाथ मंच पर उसका पहुंच जाना ये तो बता ही रहा है कि बीजेपी का उसे सपोर्ट हासिल है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग है। वोटिंग से पहले बीजेपी, कांग्रेस सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया है। दूसरी ओर INLD और बसपा के बीच गठबंधन है। JJP और आजाद समाज पार्टी भी एक साथ चुनाव मैदान में उतरी है। शुरू में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अब मंच पर सीएम योगी के साथ बिट्टू बजरंगी का दिखना कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर सवालों के घेरे में सीएम योगी और पूरी भाजपा आ चुकी है। लोग एक्स पर पूछ रहे हैं कि सीएम योगी फेल, क्या बिट्टू बजरंगी नैया पार लगाएंगे? अरे कुछ तो शर्म करो, देश के भावी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नफरती चिंटू, कुछ तो योगी जी गरिमा रखो। ऐसे सैकड़ों पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। देखा जाए तो बात चाहे जो भी हो, जो बीजेपी अपराधियों के मिट्टी में मिलाने की बात करती है, उनके मंच पर ऐसे लोगों का दिखना वाकई में सवाल तो खड़े करेगा ही। अगर बिट्टू बजरंगी को निर्दलीय लड़ना नहीं तो उसने नामांकन क्यों दाखिल किया था? क्या नामांकन दाखिल करने के बाद उसका मन बदल गया? क्या इस यू टर्न के पीछे कोई दबाव या लालच भी हो सकता है?
बीजेपी नेताओं का दावा है कि वो अपनी तरफ से पार्टी उम्मीदवार का सपोर्ट कर रहा है। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन उसके सियासी मायने जरूर खोजे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।